हेलो जी, की हाल चाल? चटोरा पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज चोपड़ा, और इस वक्त मैं खड़ा हूं चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 के बाहर, और यहां पर मैं आया हूं बाबूलाल कचौड़ी भंडार में। यहां के कचौड़ी बहुत ही फेमस है, और बहुत लोगों से इस कचौड़ी भंडार के बारे में मैंने तारीफ़ सुनी है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त आ चुका हूँ बाबूलाल कचौड़ी भंडार पे, और मेरे साथ खड़े हैं शॉप के फाउंडर तरुण जी। तो अब तरुण जी से बात करते हैं इस शॉप के बारे में कि ये शॉप कब से स्टार्ट है, इसका प्राइसिंग और बाकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल तरुण जी से पूछते हैं। तरुण जी, शॉप कब से ओपन? सर, शॉप हमारी जो है ये बाबूलाल कचौड़ी भंडार कम से कम 35 से 40 साल पुरानी है, और ये हमारे फादर ने काम शुरू किया था। जो हमारे पापा का नाम है श्री बाबूलाल, तो वही उन्होंने शुरू किया था, और अब हम संभाल रहे हैं इस काम को। आप हमारे यहाँ पे आलू की सब्ज़ी और कचौरी, साथ में ऊपर से खट्टी चटनी डाल के और हरी मिर्च का अचार सर्व किया जाता है। और हमारी जो सब्ज़ी की खासियत है, इसमें लहसुन प्याज टमाटर खटाई इमली कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है आलू सब्ज़ी में। सिर्फ साबुत मसाले, हींग और आपका आलू गर्म मसाला और साबुत मसाले जो होते हैं वही यूज होते हैं। और ये प्रिपरेशन यहाँ पर होती है सारी सब्ज़ी की? नहीं, ये सब्ज़ी जो हमारी जो एक गोदाम जिसे कहते हैं वहाँ पर बन के आता है। सिर्फ गर्म गर्म कचौरी यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। जो गर्म गर्म कचौरी यही यहाँ पे बनती है, और सुबह 9 बजे जो हमारी टाइमिंग है, सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, शाम को 8 बजे तक रहती है। संडे को कभी कभी थोड़ा शाम को हम जल्दी बढ़ा देते हैं, बाकी मोस्टली 7 दिन ओपन रहती है हमारी शॉप, कोई क्लोज नहीं होती है। और बहुत साफ़ सुथरा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाया जाता है, और हमारे यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से कस्टमर आते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है इस बात का, और बहुत पसंद करते हैं, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी हो, बुज़ुर्ग हों, बहुत पसंद करते हैं हमारी कचौड़ी। तो बहुत फेमस है, और आप लोग करने वाले हैं? मेरे को सर 14-15 साल हो गए सर। मेरी सप्लाई DR ट्रेडर्स कंपनी है, चांदनी चौक बघेल पैलेस से। यहाँ खानपुर भी आता हूँ, लापा में भी आता हूँ। जब भी मेरा हफ्ते में, एक हफ्ते में तो ज़रूर ही आता हूँ यहाँ पे, और जहाँ जब भी आता हूँ तो कचौड़ी ज़रूर खा के जाता हूँ, और बहुत टेस्टी लगती है, और सब्जी का बड़ा स्वाद है। भैया, आपका नाम? नितेश। मैं कालका जी में जॉब करता हूँ। ठीक है। और जब जब साकेत आते हैं इस मार्केट में, हाँ जी, तो कचौड़ी खाने इनके पास जरूर आते हैं। तो कब से आ रही है शॉप? 1 साल से ऊपर हो गया मेरे को। आप भी भैया साथ में हो? नहीं। आपका नाम? सुशांत मलिक है। और भैया आप कहाँ से आए हो? मैं खानपुर तिगड़ी से आए। अच्छा, कब से आ रही है यहाँ? मैं तो यहाँ से 2-2.5 साल हो गया खा रहा हूँ। और कैसा टेस्ट? टेस्ट बहुत बढ़िया है यहाँ। तो दोस्तों, अब हमारी आ गई है कचौड़ी की प्लेट, और अब हमसे वेट नहीं हो रहा, इसको खा कर देखते हैं, और उसके बाद आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। कचौड़ी एकदम गर्मा गर्म हो रही है, और इसके अंदर आप देख सकते हो पिट्ठी भरी हुई है, पूरी पूरी इसके अंदर पिट्ठी की फिलिंग है, और कचौड़ी एकदम गर्मा गर्म है। तो इसको अब सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं, और आपके साथ फिर इसका रिव्यू शेयर करते हैं। कचौड़ी की सब्ज़ी एकदम गर्मा गर्म है, और हींग का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। हींग और सौंफ इसमें डली हुई है, और आप देख सकते हो इसके अंदर, अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आपको ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगेगी, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें काफ़ी
हैं और साबुत मसाले, जीरा, हींग वगैरह काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। दोस्तों मैं आपको एक और बाइट लेकर दिखाता हूँ। आलू की सब्ज़ी एकदम गर्मा गर्म और टेस्ट बहुत बढ़िया है। अगर आपको कचौड़ी पसंद है तो आपको मैं एक बार सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आके आप कचौड़ी ज़रूर खाएं। 100% वर्थ विजिट प्लेस है। कचौड़ी बहुत ही स्वाद है, बहुत ही फेमस है और यहाँ पे लोग काफ़ी दूर से कचौड़ी खाने आते हैं। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत जल्द हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय।